मैंने एक फिल्म किया था इससे पहले, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, जो यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई है। उसके कुछ सीन्स बिजॉय नाम्बिया ने देखे थे, उनको बहुत पसंद आए, तो ही कॉल्ड मी वन डे एंड सेड मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, आई एड लाइक यू टू ऑडिशन फॉर इट। कुछ समय बाद उसने फ़ोन किया और हमने दो तीन रोल्स के लिए कंसिडर किया था मुझे, और फाइनली मैं एज केसी कास्ट हुआ। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है वो, बहुत पैसे वाला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाता है, और लड़की बाज है, अय्याश है, दारू पीता है, ड्रग्स करता है, हमेशा नशे में रहता है और सारे गलत काम करता है। उसकी जो पार्टी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो लगातार चलती ही रहती है। इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, इट्स अबाउट द शैतान दैट इज़ विद इन अस, हमारे अंदर जो है अच्छाई है और बुराई भी है। तो अंदर की शैतान को हम काबू में रखते हैं, लेकिन ये काबू से बाहर चला जाता है तो क्या होता है। तो आई थिंक दिस फिल्म इज़ अबाउट दैट। बहुत स्टाइलिश, माइंड ब्लोइंग, फास्ट पेस्ड थ्रिलर टाइप का फिल्म है ये शैतान। अलग अलग रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बिजॉय ने ये इंस्पिरेशन लेके बिजॉय ने ये कहानी लिखी है। कुछ मैसेज नहीं है, हम सब लोग मतलब पैसा बनाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ही कुछ पिक्चर बना लिए। अगर आप शैतान देखने नहीं आएंगे तो मैं आपके घर के अंदर घुस जाऊँगा और मारपीट करूँगा, तोड़फोड़ करूँगा, तो आप आ जाइए प्लीज़।